हेलो गाइस, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूँ विकास, शिक्षा ओशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हमारा समय है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने का। आप सभी को ज्ञात ही है साथियों कि हम रोज़ाना शाम को 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ते हैं, और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के दरमियान हम किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करते हैं। और रही बात आज के सेशन की टॉपिक की, यानी आज हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, यानी अंतर संसदीय संघ। इस अंतर संसदीय संघ का वर्णन कल हम करंट अफेयर्स डेली डोज की क्लास में कर रहे थे, और मैंने आपको कहा था कि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना कब हुई, कितने इसके मेंबर हैं, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कैसे इसका गठन हुआ, क्या इसकी कार्य संरचना है, क्या इसकी गतिविधियां हैं, समस्त जो इससे संबंधित जानकारियां हैं उन सभी जानकारियों को मैं आप लोगों को प्रदान करने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, अब आप सभी लोग जल्दी से इस क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सके और वे भी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को पढ़ सकें, इसके बारे में जानकारी को ग्रहण कर सकें। चलिए जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर करिए, क्लास को साझा कीजिए, अपने यार दोस्तों को बुला लीजिए, यार दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक को भिजवा दीजिए, ताकि आपके यार दोस्त भी इस प्लेटफॉर्म पर आकर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में जानकारी हासिल कर सके। देखिए साथियों, हर एक स्टूडेंट्स अगर मिनिमम 5 स्टूडेंट्स को जोड़ेगा, तो हमने जो टारगेट रखा है 50 प्लस स्टूडेंट का, वह टारगेट 101% हम अचीव कर लेंगे। तो आप हमेशा प्रयासरत रहिए, आप निरंतर इस क्लास को, हमारे सारे क्लास के वीडियो को शेयर करते रहिए। हमें पूरा भरोसा है साथियों कि हम उस टारगेट को अचीव कर लेंगे, और टारगेट को अचीव करने का जो दायित्व है वह आप लोगों के कंधों पर है। तो आप सभी लोग जल्दी से अपने यार दोस्तों को बुलाइए, यार दोस्तों को क्लास को शेयर करिए, और उनको बोलिए कि वे भी क्लास को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, बेल आइकन को प्रेस करवाइए। तो चलिए साथियों, जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करो, चलो जल्दी से। फिर उसके पश्चात मैं आपको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में सारी जानकारी को प्रदान करवाऊंगा। नमस्कार ऋषभ जी, हेलो राहुल, जय हिंद केशव जी, सभी को मेरा नमस्कार है, सभी को जय हिंद, सभी को जय माता दी। चलो जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर करिए, और याद रखिएगा इस पूरी क्लास का पीडीएफ आप लोगों को शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर अवेलेबल करवाया जाएगा। और ब्लॉग की लिंक कहाँ मिलेगी आपको, तो ब्लॉग की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, ठीक है। ब्लॉग की लिंक भी है, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है, साथ में हमारे जो फेसबुक पेज है उस फेसबुक पेज की भी लिंक है। सभी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएगी। तो चलो जल्दी से आप सभी लोग क्लास को शेयर करो। हेलो खुशी, गुड इवनिंग।
नियमित रूप से हमारी शाम को 4 बजे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास रहती है, और हम प्रतिदिन या तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। और बकायदा इसका पूरा PDF आप लोगों को शिक्षा ओशन के ब्लॉग पर अवेलेबल हम करवाते हैं। और उसी कड़ी में आज जो हमारा सेशन है, इस पूरे सेशन का आज जो हमारा टॉपिक है वह है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी अंतर संसदीय संघ, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। इसकी सारी जानकारियां मैं आप लोगों को प्रदान करने वाला हूं, और इन ऑर्गेनाइजेशन से आपके परीक्षा में प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को आलस से नहीं करना चाहिए और नियमित रूप से आपको मेरी क्लासेस लेनी चाहिए। क्लासेस को आगे तक शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिक होती हैं, सारी जानकारियों से लेस होती हैं, युक्त होती है। अगर आप मेरी क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो साथियों आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, अधिकांश मात्रा में बच्चे मेरी क्लासेस को देखकर जागरूक होंगे, उनके नॉलेज में वृद्धि होगी, वह अपनी परीक्षा में अच्छी से तैयारी कर सकेंगे। इसलिए आप सभी लोगों को मेरी सारी क्लासेस शेयर करनी चाहिए। तो चलिए साथियों, अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब आप सभी को मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाता हूं और आज की क्लास को मैं शुरू करता हूं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की लाइव क्लास में जो टॉपिक है वह है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी अंतर संसदीय संघ। अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये अंतर संसदीय संघ क्या है, तो अंतर संसदीय संघ जो है यह विश्व का एक ऐसा संगठन है जहां पर संसदीय मूल्यों के बारे में चर्चा की जाती है, संसद के जो उद्देश्य हैं उस उद्देश्य के बारे में चर्चा की जाती है। यह संसद किस प्रकार से लोकतंत्र को आगे बढ़ाने का कार्य करती है उसके बारे में चर्चा की जाती है। यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है यह संसद के जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, संसद के जो उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की रक्षा करने वाला एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये मैंने आप लोगों को सामान्य भाषा में समझाया है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या होती है। अब आपके परीक्षा में सीधा प्रश्न यह पूछा जाएगा कि IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को याद रखना है कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन यानी अंतर संसदीय संघ का जो मुख्यालय है वह आपके स्विट्जरलैंड देश में स्थित है, और स्विट्जरलैंड का कौन सा शहर है, तो वह शहर है जेनेवा। स्विट्जरलैंड का जेनेवा शहर में आपके IPU का मुख्यालय स्थित है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आप लोगों से परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि IPU जो है यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है इसका इस यूनियन में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कितने सदस्य हैं, तो 164 इसके सदस्य हैं और 10 इसके पर्यवेक्षक मेंबर हैं। 64 इसके मेंबर हैं इस पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के IPU के कितने सदस्य हैं, तो 164, ठीक है, ये चीज आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आपको बताता हूं कि ये जो IPU है इसका उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, ठीक है, तो कब इसका गठन किया गया था और किस प्रकार से इसका गठन हुआ है, तो सारी जानकारी मैं आप लोगों को प्रदान करूंगा। तो देखो, नाम है विलियम रेडल क्रेमर, रहने वाले थे यूनाइटेड किंगडम के यानी UK के, तथा साथ में एक व्यक्ति थे फ्रेडरिक पेसी। नाम क्या इनका, फ्रेडरिक
पैसी रहने वाले हैं ये फ्रांस के। दो व्यक्ति प्रमुख है साथियों, पहले व्यक्ति का नाम है विलियम रेडल क्रेमर, यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं, और फ्रेडरिक पैसी यह फ्रांस के रहने वाले हैं। इन दोनों व्यक्ति ने मिलकर वर्ष 1889 में आपके एक संगठन की स्थापना करी और उस संगठन का नाम है अंतर संसदीय संघ, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। यानी आपके परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि आईपीयू की स्थापना कब हुई थी, तो 1889 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1889 में। किसके द्वारा हुई थी? तो विलियम रेडल क्रेमर यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले थे और फ्रेडरिक पैसी फ्रांस के रहने वाले थे। इन दोनों व्यक्ति ने इस पूरे संगठन की स्थापना की थी, ठीक है। अब ये जो आईपीयू है यानी इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है, यह आपके राजनीतिक चर्चा का एक स्थायी मंच है, ठीक है, राजनीतिक चर्चा का एक स्थायी मंच है, एक प्रमुख मंच है, ठीक है, जहां पर आपके विश्व के सभी जो प्रमुख राजनीतिक तंत्र हैं और उनकी जो प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, जो पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उन पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का प्रतिनिधित्व करने वाला यह मंच है। और यह जो मंच होता है, यह मंच विश्व के जितने भी पार्लियामेंट्री के जो मेंबर्स होते हैं, जिसे अपन हिंदी में सांसद बोलते हैं, उन सभी सांसदों के बीच में संवाद और संसदीय कूटनीति का एक प्रमुख केंद्र होता है। कहने का मतलब ये होता है कि विश्व की जितनी भी देशों की जो पार्लियामेंट होती है, ठीक है, उन पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वे सारे मेंबर्स आपके क्या कहलाएंगे? सांसद कहलाएंगे। तो वह जो मेंबर होते हैं, वह सब एकत्रित होते हैं और एकत्रित होने के पश्चात आपके विचार विमर्श करते हैं, संवाद करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कि ये मंच प्रोवाइड करवाता है आईपीयू, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा, एक सामान्य जानकारी के रूप में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर यहां तक आप लोगों का कोई भी डाउट हो ना, आप जरूर पूछिएगा। अगर मैं आप लोगों को आगे की जानकारी दूं आईपीयू के बारे में, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में, तो इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है, इसका एक पर्यवेक्षक होता है, और पर्यवेक्षक कौन है? तो यूएनओ है, ठीक है, याद रखिएगा। यूएनओ जो है, यूएनओ की जो महासभा है, वह महासभा आपके किसका परीक्षक है? तो वह है आपकी आईपीयू का पर्यवेक्षक है, ठीक है। कब बना? तो वर्ष 2002 में बना। यह आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, ये चीज आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। बताता हूं कि ये जो आईपीयू है, इसका उद्देश्य क्या है। ये जो आईपीयू है, ठीक है, इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है, इस यूनियन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं। तो सुनिएगा, आईपीयू का जब गठन किया गया था, तो इसके बहुत सारे उद्देश्य रखे थे, ठीक है, जिसमें पहला उद्देश्य रखा था कि इस जो यूनियन है, इस यूनियन से जो जो देश जुड़ेगा, उस देश के जितने भी सांसद होंगे, उन सभी सांसदों के मध्य में संपर्क स्थापित किया जाएगा, ठीक है। दूसरा जो उद्देश्य रखा था, वह रखा गया है कि अपने अनुभवों के माध्यम से जो आपके अनुभव हैं, ठीक है, जो अनुभव हैं, उन अनुभवों को आदान प्रदान करना, यानी आपके देश की जो पार्लियामेंट है, वह पार्लियामेंट किस प्रकार से कार्य कर रही हैं, सांसदों के कार्यविधि क्या होती हैं, इन सभी के बारे में जानकारी देना। इसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय हित और समस्या से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर विचार करना, अंतर्राष्ट्रीय हित और समस्या से जुड़े हुए जो प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों पर विचार करना, तथा साथ ही में जो इनसे संबंधित जो विषय हैं, इन विषय पर विचार विमर्श भी करना और अपने विचार को व्यक्त करना। इसके साथ उद्देश्य ये भी रखा गया था कि संसदीय प्रजातंत्र और विकास के लिए आवश्यक मानवाधिकार की रक्षा करना,
ठीक है, यानी जो संसद और प्रजातंत्र है उसका विकास करना, और जो संसदीय मूल्य हैं उस मूल्य की रक्षा करना, जो मानवाधिकार हैं, जो मानव के जो अधिकार है उन अधिकारों की रक्षा करना और उनको प्रोत्साहित करना, उनको बढ़ावा देना। इसके साथ आगे की जानकारी ये दी जाती है उद्देश्य में कि जितने भी आपके इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं वे मेंबर्स अपने जो क्रियाकलाप हैं उन क्रियाकलापों को बेहतर करके और जो उनको सकारात्मक जो अनुभव मिलता है उन सकारात्मक अनुभव से जो विकास करते हैं उस विकास के बारे में वह पूरी दुनिया को जानकारी प्रदान करें। जैसे एक उदाहरण के तहत मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट जब कार्य करती हैं तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है वह एक उदाहरण पेश हो जाता है, एक मिसाल पेश हो जाती है। तो उस उदाहरण को पूरी दुनिया के सामने रखना है कि देखो हमने हमारी पार्लियामेंट को पूरा डिजिटल कर दिया, देखो हमने हमारे पार्लियामेंट में इस पूरे सेशन में इतने घंटे काम किए, इतने दिन काम किया, देखो हमारे हमने पार्लियामेंट में रात भर तक काम किया। उसके बाद इन्होंने कहा देखो हमारे पार्लियामेंट में हमने पेपरलेस काम करना शुरू कर दिया, देखिए हमारे पार्लियामेंट में हमारा हंगामा नहीं हुआ। ठीक है, कुल मिलाकर जो कार्यविधि के द्वारा जो सकारात्मक चीज़ें वो डेवलप करते हैं उन सारी सकारात्मक चीज़ों को दुनिया के सामने बताना। तो ये कुछ उद्देश्य रखे गए हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के IPU के। अब ये आप लोगों के कोई भी डाउट यहाँ हो तो चलिए आप ज़रूर मुझसे डाउट पूछिए, अगर नहीं हो तो भी आगे की जानकारी मुझे दीजिए, शिक्षा दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को आगे के बारे में जानकारी प्रदान कर सकूं। अब देखो साथियों, जिन्होंने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया है वे क्लास को लाइक करिए और क्लास को शेयर करिए। देखिए भैया आज बहुत कम हैं और इतने कम स्टूडेंट्स में पढ़ने में और पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, तो भैया क्लास को शेयर करो और जब क्लास ख़त्म हो जाए तो उसके पश्चात भी क्लास को शेयर करिएगा। ठीक है, अब इस IPU के बारे में जो इसकी संरचना है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो IPU की जो काउंसिल है, ठीक है, IPU का जो काउंसिल है या जो परिषद है या फिर IPU है, ये क्या करती हैं कि एक वर्ष में दो बार बैठक आयोजित करवाती हैं, एक वर्ष में दो बार बैठक आयोजित करवाती हैं, और इस पूरी बैठक में जितने भी IPU के मेंबर्स हैं वे मेंबर्स अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जितने भी IPU के मेंबर्स होंगे वे मेंबर्स जब अपने रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर भेजेंगे तो वह रिप्रेजेंटेटिव हमेशा सांसद होता है, यानी संसद का सदस्य होता है। ठीक है, संसद का सदस्य ही आपके IPU की जो वार्षिक बैठक होती है उस वार्षिक बैठक में पार्टिसिपेट करता है, यानी आप किसी अधिकारी को नहीं भेज सकते हैं। आपको किसको भेजना होगा? आपको भेजना होगा किसी को सांसद के रूप में। ठीक है, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं वे मेंबर्स अपने देश की पार्लियामेंट के किसी मेंबर्स को अपनी देश का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर IPU की वार्षिक जो दो बार बैठक आयोजित होती है उस बैठक में यह भेजते हैं। ठीक है, फिर उसके पश्चात आपके ये जो पूरी IPU होता है यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन होती है, यह इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन बैठक करती हैं और बैठक करने के पश्चात जो कार्य करने हैं तथा जो प्रस्ताव पारित करने हैं उन प्रस्तावों पर चर्चा करती हैं। प्रस्तावों पर चर्चा करने के पश्चात उस प्रस्ताव पर वोट किया जाता है और वोट करने के पश्चात आपके उस पूरे प्रस्ताव को पारित करके अगले सम्मेलन के लिए, आने वाला जो अगला सम्मेलन है उस सम्मेलन के लिए उद्देश्य बना देती हैं कि हमें जब अगले सम्मेलन में हम जब मिलेंगे तो हम इन इन बातों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पश्चात जो IPU है, ठीक है,
यह आईपीयू क्या करता है कि एक कार्यकारी समिति का गठन करता है, ठीक है, कार्यकारी समिति का गठन करता है, और इस कार्यकारी समिति का जो अध्यक्ष होता है वह आईपीयू का ही अध्यक्ष होता है, और इस कार्यकारी समिति में आपके टोटल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, और इन 15 सदस्यों में महिला सांसद को भी जगह दी जाती है, स्थान दिया जाता है, और ये जो पूरी कार्यकारी समिति होती है, यही कार्यकारी समिति आपके प्रशासनिक कार्यों को भी संभालती है, ठीक है, ये चीज आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब मैं आप लोगों को आगे की एक अति महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, ठीक है, जैसे कि अगर आप लोगों ने पॉलिटी का अध्ययन किया है, ठीक है, और वो भी अच्छी तरीके से पॉलिटी का अध्ययन किया है, अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने किया है तो उनको तो ये पता है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लोकतंत्र का दुश्मन होता है सेना का शासन, यानी तानाशाही, डिक्टेटरशिप। जहां डिक्टेटरशिप होती है वहां लोकतंत्र नहीं होता है, ठीक है, और जहां लोकतंत्र होगा वहां डिक्टेटरशिप नहीं होगी, ठीक है। और डिक्टेटरशिप कहां आती है? सेना तख्ता पलट कर लेती है। आप लोगों ने सुना होगा कि एक कोई लोकतांत्रिक सरकार है तो उस देश की सेना ने प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया, सेना आपके शासन करने लग गई। सबसे अच्छा उदाहरण पाकिस्तान को देखिए आप। पाकिस्तान की राजनीति में आपके अनेकों बार सेना ने तख्ता पलट किया है, और सेना ने आपके पूरे पाकिस्तान के बागडोर को अपने हाथ में लिया है। तो जब सेना पूरे बागडोर को अपने हाथ में लेती है तो उसे कहा जाता है सैन्य तख्ता पलट, ठीक है। तब सैन्य तख्ता पलट जो होता है यह आपके लोकतंत्र का दुश्मन होता है। तो अब हुआ यह कि जो इंटर पार्लियामेंट्री जो यूनियन है इसकी एक बैठक आयोजित की गई थी अक्टूबर 2000 में। कब? अक्टूबर 2000 में। कहां पर? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आपके आईपीयू की बैठक हुई, और यह जो बैठक थी 104वीं बैठक थी। इस बैठक में मुख्य रूप से आपके तीन प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें से पहला जो प्रस्ताव था वह यही था कि सैन्य पलट रोकने से संबंधित प्रस्ताव, यानी सभी सदस्य अपने देशों में जो सैन्य तख्ता पलट है इसको रोकेंगे, किसी भी प्रकार से सेना को राजनीति में सक्रिय नहीं होने देंगे, उनकी गतिविधियों को वे स्वीकार नहीं करेंगे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में यह बात कही गई कि हमेशा हर देश अपने संविधान और अपनी राजनीति को दूर रखे आर्मी से, कभी भी आर्मी को राजनीति में सक्रिय न होने दे, और राजनीतिक गतिविधियां कभी भी आर्मी के विरोधी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यानी सैन्य विरोधी नहीं होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आप बात को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या कहती है कि आपके देश की राजनीति और सेना को अलग अलग रखो, ठीक है, आप कभी भी राजनीति में सेना को सक्रिय मत होने दो, और आपकी सेना को कम मत आको, यानी अगर आप राजनीति में सेना को बार बार घसीटेंगे, आपके जो मुद्दे हैं, ठीक है, उन मुद्दों में सेना को केंद्र में रखोगे, वो सेना की क्रिटिसाइज करोगे, सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करोगे, तो फिर सेना आपको जवाब देने के लिए राजनीति में आएगी, और जब राजनीति में आएगी तो वह हथियारों के साथ आएगी और आपका तख्ता पलट कर देगी। तो आप राजनीति में आर्मी को अलग, और राजनीति जब आप करते हो उस वक्त आप प्रश्न चिन्ह खड़ा मत करो आर्मी के ऊपर, प्रश्न मत पूछो आर्मी से, कि आर्मी पर आपको भरोसा रखना होगा। यह बात आईपीयू ने कहा था, और आप लोगों को इशारा समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि भारत की राजनीति में भी, भारत में कुछ राजनीतिक दल हैं जो बार बार आर्मी की क्रियाकलापों पर प्रश्नवाचक चिन्ह को खड़ा करते हैं, प्रश्न को खड़ा करते हैं कि आर्मी ने अगर ये स्ट्राइक की है तो हमें सबूत लाकर दीजिए, आर्मी ने ऐसा किया, आर्मी ने वैसा किया।
तो अगर आप बार बार आरोप लगाओगे तो फिर उसके पश्चात तख्तापलट होना लाजमी है। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब ये पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को आईपीओ के बारे में प्रदान कर दी है। शायद आप लोगों ने आईपीओ के बारे में पहले नाम नहीं सुना होगा, किंतु आज आप सभी लोगों ने आईपीओ के बारे में नाम सुन लिया है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में आप लोगों ने सुन लिया है क्या नहीं है। भविष्य में अगर इससे संबंधित कोई भी खबर आती है तो आप ये नहीं कहोगे कि ये आईपीयू क्या है, ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन क्या है, आप बिल्कुल नहीं कहोगे। ठीक है, और अगर आपका मित्र यह कहता है कि यार ये आईपीयू क्या है, तो जरा उसको यह वीडियो की लिंक शेयर कर देना, उसको सेंड कर देना, ताकि वह भी यह पूरी क्लास को देख ले। ठीक है, तो चलो, यह पूरा सेशन हमारा कंप्लीट हो गया है और आईपीओ के सेशन को अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। अब आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक करना है और इस क्लास को शेयर करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और अब हम मुलाकात करेंगे शाम को 7 बजे करंट अफेयर्स डेली डोज की क्लास में। तो चलिए साथियों, अब आप सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप सभी लोग इस क्लास को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए अब मुलाकात करेंगे हम शाम को 7 बजे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।